हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग ये जानेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज होने का चांस किसको है, मतलब कौन सा रिस्क फैक्टर होता है, वो रिस्क फैक्टर हमारे अंदर है कि नहीं, और अगर रिस्क फैक्टर है तो हमें फिर क्या करना चाहिए, कौन सी जांच करवाएं, कितने दिन में करवाएं, और वो डायबिटीज हमें नहीं हो उसके लिए हम फिर हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस विषयों पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो टाइप 2 डायबिटीज की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। टाइप 1 डायबिटीज का जो रिस्क फैक्टर होता है उसको ऐसे नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, उसमें ऑटो इम्यून सेल्स का रोल होता है, जो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज के रिस्क फैक्टर एज सच नहीं होता, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता और उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। टाइप 1 डायबिटीज मतलब जो छोटे बच्चों में होती है और जिसमें पूरा इंसुलिन लगभग बनना बंद हो जाता है या तो थोड़ा बहुत बनता है। अभी हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज की, जो कॉमन है 90 से 95% केस में वही होती है। इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है, शहर में लगभग 9% लोगों को हो रही है, गांव के लगभग 8% लोगों को हो रही है। अभी लगभग 5 से 7 करोड़ लोग हैं इंडिया में जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, और इतने ही लोगों को प्री डायबिटिक कंडीशन, मतलब उनके ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है पर अभी वो डायबिटिक रेंज में नहीं है, पर प्री डायबिटिक कंडीशन भी डायबिटीज जैसे ही खतरनाक, उसमें भी शरीर में जो डायबिटीज के डैमेज होने वाले होते हैं वो सारे प्री डायबिटिक में होते हैं, और प्री डायबिटीज आगे चल के डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। तब बात आती है कि भाई किस टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क किसको है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है इंडियन पॉपुलेशन में, एक तो वैसे ही जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, जीन के कारण होता है, वैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है फैमिली हिस्ट्री। अगर माता पिता को है या भाई बहन को है तो बहुत सारा चांस है कि उस फैमिली के दूसरे सदस्य को भी हो जाएगी, तो फैमिली में होना सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा मोटापा, सबसे अगेन मोटापा एक बहुत बड़ा कारण बनता है। मोटापे का मतलब ये है कि जो BMI है, जो बॉडी मास इंडेक्स है, वो 25 से ज़्यादा होना। BMI का मतलब होता है कि आपका वेट आपकी हाइट के प्रपोर्शन में कितना है, मोटा मोटा हिसाब ये है। BMI के लिए आप चाहेंगे तो गूगल नेट पे आप जाके, उसके लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, उस सॉफ्टवेयर में अपनी एज, जेंडर, वेट कितना है KG में और अपनी हाइट डालेंगे तो BMI आ जाएगा। तो BMI बहुत बड़ा कारण होता है, मतलब कि ओबेसिटी, मोटा होना। स्पेशली जो इंडियन पॉपुलेशन में पेट के आसपास चर्बी होती है, इसको सेंट्रोपिटल ओबेसिटी बोलते हैं। इसलिए वेस्ट टू हिप रेशियो जो होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। मोटापे के साथ में ही आता है जो अगला फैक्टर होता है, जिसका लिपिड गड़बड़ हो, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो, बॉडी के अंदर फैट है, मतलब ब्लड के अंदर फैट है, जैसे ट्राइग्लिसराइड जिनका 250 से ज़्यादा हो या HDL जिनका 40 से कम हो, ऐसे ही किसी का LDL बढ़ा हुआ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। अगला, ऐसे लोग जो सेडेंट्री लाइफ है, ज़्यादा काम नहीं करते, खेलते कूदते नहीं, साइकिल नहीं चलाते, कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है, वॉकिंग नहीं करते हैं, तैराकी नहीं करते हैं, मैनुअल कुछ भी काम नहीं करते हैं, उनको रिस्क होता है, राइट। जो टाइप 2 डायबिटीज है बेसिकली उसमें दो ही फैक्टर हैं, एक तो आप ज़्यादा खाना खा रहे हो जिससे ग्लूकोज बढ़ रहा है शरीर के अंदर, और काम का कम कर रहे हो तो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो जो शुगर है ये बढ़ा रहता है, इंसुलिन जो सेल्स के अंदर डालता है उसको नहीं डालता, तो ये शुगर बेसिकली यूरिन के थ्रू निकलता है, और बाकी जगह भी आर्टरीज में डैमेज करना, आँख को डैमेज करना, किडनी को डैमेज करना, बेसिकली ये डायबिटीज के अंदर की मेन प्रॉब्लम होती है। तो बात हो गई ओबेसिटी की, इनएक्टिव रहना, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, हाइपरटेंशन होना, ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है, स्मोकिंग होना, सिगरेट स्मोकिंग है, इसके अलावा एल्कोहल कंजम्पशन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, रोज ले रहे हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। किसी को लकवा मार गया है, लकवे की शिकायत रही हो, या उसको स्ट्रोक हुआ है, हार्ट अटैक आया है, सीने में दर्द रहता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होते हैं। महिलाओं के अंदर, ऐसी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है, मतलब कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस हम बोलते हैं, बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है, बहुत सारों को ठीक हो जाता है, कुछ परसेंट को वो फिर आगे कंटिन्यू चलता रहता है, या महिलाओं के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ था उसका वजन 4 किलो से ज़्यादा था, तो ऐसी अगर किसी को कंडीशन होती है तो ये रिस्क फैक्टर में आता है। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर एक एकैंथोसिस नाइग्रिकंस बोलते हैं, मतलब स्किन के अंदर डार्क पैचेज आ जाते हैं, स्पेशली गर्दन पे या यहाँ पे फोल्ड्स में,
तो ये भी एक तरह का इंडिकेट करता है कि ये इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो रहा है। तो ये भी एक तरह की कैटेगरी होगी कि ये भी एक तरह के रिस्क फैक्टर्स में ही आएंगे। इसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर की बात करें तो एक तो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो महिलाओं में होता है। इसके अलावा किसी को अगर वास्कुलाइटिस सिंड्रोम होते हैं जैसे कि ल्यूपस वगैरह हो गया, एक रिस्क फैक्टर ये है कि जो मेल है जो पुरुष है उनकी अगर जो वेस्ट की जो नाप है वो 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। तो दोस्तों जो इंडियन पॉपुलेशन होती है वो ऑलरेडी ससेप्टिबल रहती है। हमने प्रॉब्लम क्या किया कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो फूड है वो अडाप्ट कर लिया, मतलब कि ज़्यादा मैदा वाला प्रोसेस फूड जिसमें नमक ज़्यादा रहता है जो टेस्टी रहता है उसको हमने अडाप्ट कर लिया। तो जितनी हमारे शरीर में इंसुलिन की कैपेसिटी है कि उसको आपके मसल्स के अंदर या लीवर के अंदर भेजिए वो भेज नहीं पाती। जेनेटिक ही एक ऐसी टेंडेंसी है इंडियन या एशियन पॉपुलेशन में, इसलिए सारी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए ऐसे लोग जिनको इस तरह के जो जो मैंने कंडीशन बताई है कि मोटापा है, पेट निकला हुआ है, अल्कोहल, स्मोकिंग, चलते फिरते नहीं है, इस तरह की हिस्ट्री है, उनका लिपिड गड़बड़ है, हार्ट में प्रॉब्लम है, लकवा हो चुका है, एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम, ये सब अगर किसी को प्रॉब्लम है, फैमिली हिस्ट्री है, तो उसको तुरंत डायबिटीज की जांच कराना चाहिए। अब बात आती है कि कब फिर हम टेस्ट करवाएं, क्या एज होनी चाहिए। तो आइडियल कंडीशन ये है कि 30 साल के बाद आपको हर तीसरे साल टेस्ट करवाना है, ब्लड शुगर की जांच कराना है, HbA1c की, इनमें से कोई करवा सकते हैं। और अगर कोई प्री डायबिटिक निकलता है, मतलब कि शुगर उसका बढ़ा हुआ है लेकिन अभी डायबिटीज के रेंज में नहीं है, तो उसको साल में कम से कम एक बार जांच करानी है अगर वो प्री डायबिटिक है। और अगर नॉर्मल है तो उसको 3 साल में एक बार ब्लड शुगर की, फास्टिंग, पीपी, रैंडम कुछ भी कराना है। और अब बात आती है क्या जो 20 साल से कम के बच्चे हैं उनमें Type 2 की हम जांच करा सकते हैं शुगर की, तो बिल्कुल करा सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 20 साल, 18 साल से कम है लेकिन अगर उनको फैमिली हिस्ट्री है, उनके फैमिली में किसी को है जो उनका लिपिड है वो डिस्टर्ब रहता है, हाइपरटेंशन की बच्चों में प्रॉब्लम है, PCOS है, ओवेरियन सिंड्रोम है, इस तरह की अगर प्रॉब्लम है, एकेंथोसिस निग्रेकन्स है जो कि क्लियर कट इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो छोटे बच्चों को भी अपना बीच बीच में चेक करवाना चाहिए। क्योंकि अमूमन 20 साल से कम जब डायबिटीज होती है तो वो होती है Type 1, मतलब कि इंसुलिन कम हो जाता है, पैंक्रियाज के सेल्स नष्ट होते हैं, पर कई केसेस में Type 2 डायबिटीज भी छोटे बच्चों को हो सकती है। तो बेसिकली ये सारा रिस्क फैक्टर था। मुझे उम्मीद है कि आपको अब क्लियरिटी मिल गई होगी कि ये जो अगर कंडीशन होगी तो हम अपनी शुगर की जांच कराएंगे। जांच कराना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो सारा डायबिटीज को रोकने का जो प्रिवेंशन का तरीका है वो जांच से ही वो होके गुजरता है। अगर हमने जांच कराया और हमें पता चल गया कि हम प्री डायबिटिक फेज में हैं तो हम एक्सरसाइज से, खाने में बदलाव करके आसानी से जो डायबिटिक वाली कंडीशन उसमें जाने से रोक सकते हैं। गए भी तो बहुत दिनों बाद जाएंगे, 10 से 15 से 20 साल बाद। डायबिटीज हुआ भी चूंकि हमने बहुत पहले ही देख लिया था तो जो आंख में डैमेज होने वाला था, जो नसों में डैमेज होने वाला था, जो खून की सप्लाई गड़बड़ होने वाली थी, उसको बेसिकली हम रोक पाएंगे। तो दोस्तों ये सारा रिस्क फैक्टर था। अगर किसी को इस तरह से है तो अपने आप को चेक करवाए, रिस्क फैक्टर को, कोशिश करे कि वो ठीक हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं अगले वीडियो में।